जय हिंद सभी को। तो अभी हम एसएससी जीडी के बारे में बात कर रहे हैं कि एसएससी जीडी का देखिए पहले ये सुनिए कि न्यू वैकेंसी जो है जुलाई महीना में ही निकलेगा, इसी महीना में निकलेगा आप लोग का न्यू वैकेंसी। अब जितना पोस्ट रहे 40,000-50,000 इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ ये कन्फर्म होने कि जुलाई महीना में ही निकलेगा। अभी हम बात कर रहे हैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी 2018 वाले के लिए कि अभी दिल्ली में क्या चल रहा है और आखिर ट्रेनिंग सेंटर में क्या हलचल हो रहा है आप लोग के ज्वाइनिंग को लेकर के, वो भी हम आपको बताएंगे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में रामलीला मैदान में भूख हड़ताल का परमिशन मिला था। स्टूडेंट जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गए थे उनको मतलब मिला था परमिशन 28 जून से 7 जुलाई के बीच उनको परमिशन मिला था। लेकिन जब वो वहाँ गए प्रोटेस्ट करने तो उनको बताया गया कि देखिए भाई साहब यहाँ जो है दिल्ली रामलीला मैदान में एक बड़ा सा कोविड सेंटर बनाया गया है जिसमें कि मतलब जाँच उच होता है, तो जब तक ये कोविड सेंटर यहाँ से हटाया नहीं जाता आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए सरकार का कितना नीयत ख़राब है, जब आप जानते थे कि वहाँ पे कोविड सेंटर है तो आपको परमिशन नहीं देना था ना पहले, आप दे दिए सब स्टूडेंट को वहाँ पे बुला लिए, उसके बाद आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, फिर इन लोगों को बोला गया आज के बारे में, आज 5 तारीख है, आज के बारे में बोला गया कि आज हम आप लोग को अलाउ करेंगे दे देंगे परमिशन। ठीक है, अभी बहुत स्टूडेंट अब वहाँ पर रुके हुए होंगे, मेरा पुरनका सा वीडियो देखिएगा उसमें स्टूडेंट कुछ कुछ बोल रहे हैं, उसमें सुनिएगा समझिएगा। तो आज 5 तारीख का कुछ जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है हम आपको तुरंत बताएं कि अभी वहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। देखिए हम 2 से 3 दिन में समय मिलता है तो 1 पीस वीडियो बना पाते हैं, ठीक है, समय के अभाव के कारण, और जब समय मिलता है तो आप देखते हैं 1 दिन में हम 2 भी बना देते हैं कभी, लेकिन अभी नहीं मिल पा रहा इसलिए 2-3 दिन में गैप हो रहा है। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है। आप देखे होंगे कि जितने भी लड़का ज्वाइन कर रहा है, जितना भी एसएसबी रहे, असम राइफल में रहे, बीएसएफ रहे, सीआरपीएफ में रहे, आप अगर आपके कांटेक्ट में कोई है कैंडिडेट, आपका मित्र, आपका साथी, तो उसे पता कीजिए कि कितना परसेंट लड़का ज्वाइन कर रहा है, कितना परसेंट लड़का ज्वाइन नहीं कर रहा है। आपको खुद पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितना ट्रेनिंग सेंटर में बातचीत कितना किया जा रहा है कि इतना लड़का का सीट खाली है, इतना लड़का नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा बात आप भी आप देखिएगा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि बीएसएफ का एक आरटीसी है, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर बहरवा, क्या नाम है बहरवा समझे, वहाँ पे सेकंड लिस्ट जारी कर दिया गया है। मतलब जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, मतलब सेकंड लिस्ट मतलब क्या, सेकंड लिस्ट में भी उसी का नाम है जो पहले ज्वाइनिंग लेटर जिसको भेजा। मान लीजिए आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपका नाम एक पहला लिस्ट में दिया, ज्वाइनिंग लेटर आपको भेजा, आप ज्वाइन करने नहीं गए, तो फिर वो दूसरा लिस्ट जो जारी किया है तो उसमें भी आपका नाम दिया है कि सेकंड वाला नाम कि आपको फिर से ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा और आप आइए ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस प्रकार से 709 कैंडिडेट है टोटल, उसको भेजा गया। अब आप ही बताइए जो कैंडिडेट नहीं गया उसका क्या मतलब है, वो या तो वहाँ जो मतलब वो जाना नहीं चाहता है या फिर उसका कहीं ज्वाइनिंग हो गया है, अदर जगह वो काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए नियम कितना ख़राब है कि जो लड़का ज्वाइनिंग नहीं किया उसी को फिर से भेजेगा और 3 बार भेजेगा, बारे सिस्टम समझने का प्रयास कीजिए। और ये सिर्फ एक आरटीसी का हम बताएं आपको, हमारे भारत में इतने सारे आरटीसी हैं सब के, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, समझे, इतने सारे हमारे आरटीसी हैं या जो भी रहे उसमें इतना इतना सीट खाली। आप जैसा पता करके देखिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अगर आप लोग अपने मित्रगण में आप लोग का जरूर कोई ना कोई जोड़ी साथी में आसपास के गांव में हुआ ही होगा सिलेक्शन, पूछिएगा कि भाई हमको ये बताओ कि कितना लड़का ज्वाइनिंग कर रहा है, कितना लड़का का सीट खाली है, देखिएगा वो ज़रूर बताएगा आपको कि भाई ऐसा बात है कि यहाँ बहुत लड़का ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, बहुत लड़का आ गया फिर से यहाँ से भाग जाता है, ट्रेनिंग छोड़ के चले गया है, सीट बहुत खाली है, वो आपको बताएगा ज़रूर ये बात। ठीक है, हम आपको आप मेरा पुरनका वीडियो देखिएगा, उसमें एक एसएसबी का कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें हम पूछे थे कि सर अगर ट्रेनिंग सेंटर में मतलब जगह है तो बुलाइए स्टूडेंट को, नया कैंडिडेट को, तो उसमें सुनिएगा क्या बोला गया था कि हाँ बहुत सीट खाली है, लड़का सब यहाँ आके ज्वाइन करके भी भाग रहा है, तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, गृह मंत्रालय से जो होगा वो गृह मंत्रालय करेगा। गृह मंत्रालय का भी कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, हम सब जगह बात किए हैं, आप सुनिएगा पुरनका वीडियो में देख के, हम उतना लिंक उंक डालने नहीं जानते हैं,
कहाँ कौन लिंक डालाता है, हम सिर्फ दो चार बात बोल देते हैं इधर झाड़ जंगल में घुस के, समझे। हाँ तो हम ये बात कर रहे हैं कि आप ये सोचिए कि आरटीसी, जब एक आरटीसी में 709 कैंडिडेट को एब्सेंट पाया गया, समझ रहे हैं बात को, तो सोचिए कि हमारे भारत में कितना ऐसा होगा जो कि SSC GD 2018 वाले कैंडिडेट गए होंगे या ज्वाइन नहीं किए होंगे। आप कल्पना कीजिए, उतना सारा स्टूडेंट का सीट खाली है प्लस, हाँ, और 111,000 तो सीट पहले ही खाली है सिर्फ कॉन्स्टेबल GD के लिए अर्धसैनिक बल में। अब आप ये समझिए जो 50,000 से 55,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं जिसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और वो तीनों स्टेज को पार कर चुके हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि अभी भी दिल्ली जाइए, ठीक है। आपको अगर लगता है ऐसा, देखिए हम आपको फिर बता देते हैं, नौकरी लेना बहुत दिक्कत है, आने वाला समय में आलू का दाम 200 रुपया रहेगा और आप 8,000 रुपया में ही नौकरी करेंगे, कहीं पे भटकेंगे। इसलिए आपको बताते हैं, अगर सही में नौकरी अगर कुछ लेना है, अगर सही में आपको लगता है कि मिलना चाहिए, आप सही मेहनत किए हैं, आपके घर परिवार को आपके ऊपर विश्वास था और अंतिम समय में वो विश्वास टूट गया, ठीक है, तब दिल्ली जाइए। और दिल्ली में जब तक भीड़ नहीं होगा, भीड़ मतलब जब तक 2,000-4,000 कैंडिडेट का भीड़ नहीं रहेगा, जब तक सड़क पे नहीं निकलेगा, जब तक लोग जानेगा नहीं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस चीज़ का भीड़ है, आपका कुछ ना सकता है। 10-5 कैंडिडेट इसी तरह से रोज़ दिल्ली में भटकता है, कहाँ किसका सिलेक्शन होता है। आप देखिए वहाँ दिल्ली में जो भी कैंडिडेट गए हैं, मेल फीमेल सब कैंडिडेट हैं वहाँ पे, भाई बहन अपने सब रोज़ रोज़ आपको देखते हैं कि बुला रहे हैं वहाँ पे, आइए आप लोग आइए, बिना आए हुए कुछ नहीं होगा। आप ये सोच के वहाँ मत जाइए कि वहाँ व्यवस्था है, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कुछ नहीं सोचना है आपको। अरे आप कहीं एग्जाम देने जाते हैं, आप किसी चीज़ का प्रोसेस करने गए, कैसे जाते हैं, वही सोच के जाइए। यही अंतिम मौका है, आपको फिर बता रहे हैं कि जुलाई में ही न्यू वैकेंसी देगा, न्यू वैकेंसी जुलाई में देगा, तो बस आप लोग अपना उठा कर रखिए कि आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है, समझे। आप लोग नाक लगड़ के मर जाइएगा, बस न्यू वैकेंसी निकला जैसे कि बस आप लोग का खटिया खड़ा, उधर से आप लोग का कोई संभावना ही नहीं बनेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये संभावना बन सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट का, उसमें भी SSC का आप नाटक देखिए सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट में तो चलिए भाई जिसका इसका कम पॉइंट से छूटा उसका हो जाएगा, लेकिन इतना इतना सीट खाली है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इतना इतना ट्रेनिंग सेंटर में सेकंड लिस्ट जो जारी कर रहा है उस कैंडिडेट का जो कि ज्वाइन नहीं किया, उसकी जगह पर न्यू कैंडिडेट को अगर ले जाया जाए तो हमको लगता है कि लगभग 20-30,000 तो मानिए चलिए 20,000 नया कैंडिडेट ज्वाइन करेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तब ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, अगर आप लोग समझदार हैं तो दिल्ली जाइएगा, नहीं तो फिर हमको भी, हम भूखने से क्या फ़ायदा है, नहीं समझे, कितना सपोर्ट हम भी कर पाएंगे आपका, फिर हम भी व्यस्त रह जाएंगे इधर उधर, फिर कुछ ना, इसलिए कहते हैं जल्दी जाइए, ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं।